श्री गुरुवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाल्मीकि गिरिसंभूता राम सागर गामिनी कुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टतरम् एकैकाक्षरम् महापुंसां महापातकनाशनम् कूज कूजन तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरमारुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मार्तुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतं शरणेश्वरसे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरत भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभो नित्यानंद। प्रभो श्री अद्वैत गदाधरा। श्रीवास आदि गौरा। श्रीवास आदि गौरा। भक्त वृंदा। भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे। कृष्णा प्यारे प्रेमी सत्संगियों, अपने घरों में सभी बंद हैं, समय की मर्यादाओं का पालन करते हुए आज कामदा एकादशी का दिन है। एकादशी सर्व पाप नाश करने वाली है। पापों के कारण दुख होते हैं, पाप नाश होंगे तो दुख भी नाश होंगे। ये हरि वासरे है, आज हरि का दिन है। माधव तिथि इसको कहते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पालन करो। माधव तिथि माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति। लक्ष्मीपति भगवान का ये वार है, दिन है, तिथि है। इसको बड़े प्रेम से जतन से पालन करना चाहिए और इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फल है। और वैसे भी एकादशी के दिन 11 इंद्रियों को वश में करके 10 इंद्रियां और 11 मन और भगवान का जितना अधिक से अधिक हो सके नाम का सुमरण किया जाए, हरि कथा की जाए, तो बहुत बड़ा लाभ है। तो आज एकादशी के दिन, आज 7वां दिन हमारे राम कथा को हम केवल राम के और सीता के मिलन तक ही विराम देंगे। तो कल हमने गुरु विश्वामित्र के सिद्ध आश्रम में राम और लक्ष्मण ने मारीच और सुबाहु से यज्ञ की रक्षा की और गुरुजन को प्रसन्न कर दिया। वैसे सबसे बड़ा संसार में जो लाभदायक कार्य है वो है गुरु की प्रसन्नता। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा मतलब गुरु जी के प्रसन्न होने से, गुरु जी की कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ गुरु जी प्रसन्न हुए और गुरु जी के हृदय में ये उल्लास उत्पन्न हुआ कि इनके जीवन में माधुर्य का, प्रेम का, जो नित्य प्रेम है भगवान और भगवान की अपनी अंतरंग शक्ति का, प्रकट किया जाए। और उस समय
जनक महाराज के वहाँ से निमंत्रण आया और ये सब ऋषि मंडली दो राजकुमारों के साथ महाराज गाधी की राजधानी, कल हमने आपको कथा बताई थी, गाधी महाराज गाधी की बेटी का विवाह ऋषि रीचक के साथ हुआ था और रीचक के घर में जमद अग्नि और परशुराम का जन्म हुआ था और गाधी के घर में आगे चलकर ये कौशक वंश के अंदर विश्वामित्र जी का प्रकट्य हुआ था जो बड़े राजा थे और राजपाट को छोड़कर ब्रह्म ऋषि बने थे। आज ये ऋषि मंडली यहाँ से गंगा के किनारे को गंगा को पार करके गंगा के अवतरण की कथा कल हमने सुनी। कितने बड़े ये प्रतापी राजा हुए हैं सूर्य वंश के, जो धरती के ऊपर गंगा को लाए और सारे विश्व को पवित्र करने वाली ये पति तपावनी गंगा, ये अमृत है, ये जल नहीं है, गंगा का चरणामृत है, भगवान के चरणों को धोकर नीचे उतरती है, ये चरणामृत भाग्य इस भारत वर्ष के अंदर बहती है, इसके दर्शन मात्र से नाम लेने से ही पाप नाश हो जाते हैं। तो गंगा की धरती पे लाने वाले कितने भाग्यशाली और भगवान के महान भक्तों का यहाँ वर्णन है। और आगे ये विश्वामित्र की ऋषि कुमारों के और राजकुमारों के साथ गौतम ऋषि के उजड़े हुए आश्रम में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर नारी को उत्पन्न किया, सब देवता उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के पास धरोहर में रख दी। गौतम ऋषि ने उसको संभाला तो ब्रह्मा जी ने उनको विवाह करके वो अहिल्या नाम की, अहिल्या का वैसे तो अर्थ है जो रात को, जो दिन में दिख, अहिनी कहते हैं दिन को, कहते हैं एहर निशा, एहर कहते हैं दिन को, निशा कहते हैं रात को, तो अहिनी अहिल्या मतलब जो दिन में दिखाई न दे। तो अहिल्या बहुत सुंदर थी और गौतम ऋषि की नारी थी, ये आश्रम में बड़े प्रेम से रहते थे, इनको पुत्र भी हुए सतानंद इनका पुत्र, जो महाराज जनक का राज पुरोहित है, राजगुरु है। एक समय की बात है कि अहिल्या पानी भरने के लिए गई थी नदी में, गंधर्वों को वहाँ देखा, थोड़ी देर के लिए उनको देखती रही, वापस आई तो थोड़ा सा गौतम ऋषि को भी भाव आया कि क्यों देर से आई है, लेकिन वो बात तो गुजर गई। इंद्र के मन में ऐसा भाव था कि हमको विवाह करके क्यों नहीं दिया ये सुंदर नारी ब्रह्मा जी ने, सो इंद्र गौतम का रूप धारण करके और जब गौतम ऋषि घर से बाहर गए थे तो अहिल्या से मिलने आया। अहिल्या तो उसको अपना पति ही समझा, लेकिन जब वो वापस जा रहा था गौतम ऋषि आए और उसको पहचान लिया और गौतम ऋषि क्रोधित होकर उनको शराप दे दिया। इंद्र ने क्षमा याचना मांगी तो कहा तेरे सर पूरे शरीर के ऊपर आंखें ही आंखें निकल जाएंगी, और फिर अहिल्या को कहा कि तुम दुष्टा पत्थर बन जाओ, तो अहिल्या पत्थर बन गई। तो अहिल्या नारी, गौतम नारी, अहिल्या तारी, गौतम की नारी अहिल्या को तारी, तारी का मतलब उधार किया। तो भगवान श्री रामचंद्र ने पूछा गुरुदेव ये कौन सा स्थान है, उजड़ा हुआ क्यों पड़ा है? तो गुरुदेव ने महर्षि गौतम की सारी कथा बताई और अहिल्या के पत्थर बनने का भी सारा वर्णन करके सुनाया और कहा कि रामचंद्र अब आप इस निस्साधन, इसका कोई साधन नहीं है, कुछ कर नहीं सकती, पत्थर में क्या कर सकती है, अरे भगवान कृपा करते हैं तो निस्साधन के ऊपर भी करते हैं, कोई साधन नहीं है, कोई साधन क्या साधन है इस पत्थर का, नारी पत्थर बन गई तो कुछ नहीं कर सकती है, कोई कुछ साधन हो, कोई बुरा साधन करता है, अच्छा साधन भी जिसमें नहीं है, जैसे कुब्जा है, कौन सा अच्छा साधन कर रही है, वो तो कंस की सेवा करने के लिए उसको अंगराग लगाने जाती है, उसका श्रम श्रृंगार का सामग्री बना के जाती है, भगवान कृपा करते हैं तो निस्साधन के ऊपर भी करते हैं, कुछ साधन के ऊपर करते हैं, तो फिर सुसाधन जो हो, रोज नेम से भगवान का स्मरण करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान के भक्तों का संग करे, हरी कथा सुने, उसके उधार में कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई शक नहीं रह जाता है। तो यहाँ अहिल्या के लिए जब गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया तो
तो भगवान श्री रामचंद्र ने उनको स्पर्श किया। भगवान के स्पर्श मात्र से, छूने मात्र से अहिल्या वापस अपने असली स्वरूप में आ गई। इसी प्रसंग को लेकर केवट नाव चलाने वाला श्रृंगेरपुर, कल आपको हमने बताया था निषाद राज गोहे का राज है, उससे आगे उससे 2 किलोमीटर की करीब दूरी पे ये स्थान है जहाँ से भगवान श्री रामचंद्र ने गंगा जी को पार किया था। और केवट ने यही बात कही थी कि मैं आपको कैसे मेरी नाव में बिठाऊं, जिसके चरणों की रज से पत्थर की मूर्ति स्त्री बन गई, मेरी लकड़ी की ये नौका अगर स्त्री बन गई तो पहले एक घर में ये दूसरी, तो मेरा रोजगार कैसे चलेगा और मैं इसको कैसे पालूंगा। भगवान मैं आपको निश्चित रूप से मेरी नाव में नहीं चढ़ा सकता, चाहिए तो थोड़ा आगे से थोड़ा कम पानी है और उसमें अंदर पैदल आप दूसरे तरफ चले जाइए। अब राम लक्ष्मण और सीता तीनों खड़े हैं नौ, और वो मल्लहा केवट नाव चलाने वाला कहते हैं एक शर्त के ऊपर आपको नाव में बिठाऊंगा, आप अपने चरण धोने का और ये जो मिट्टी है इससे हमारे को ज़्यादा भय है, आपसे भय नहीं है, इसको धोने का हमको आप अवसर दे दीजिए, फिर हम इसको साफ करेंगे, आपको नाव में उस पार छोड़ के आ जाएंगे। तो भगवान ने केवट को अपने चरण धोने का सौभाग्य दिया। कहते हैं कि छोटे से कछुए के रूप में भगवान जब सोए हुए हैं खीर सागर में तो कछुआ भगवान के चरण को छूने को आता है, लक्ष्मी देवी उसको दूर भगा देती है, सर की तरफ जाता है तो वहाँ शेष जी उसको हटा देते हैं, भगवान के चरणों को छूना नहीं देते हैं। आज ये केवट में रूप में आया है और भगवान के चरण धो रहा है, वो शेष जी वहाँ देख रहे हैं लक्ष्मण, और साक्षात लक्ष्मी सीता भी देख रही है, और दोनों चरण धो भगवान ने केवट के हाथों से अपने चरण कमल को धुलवाए हैं। फिर केवट कहता है फिर आप अगर रेत में रखोगे और इसके ऊपर फिर रज लग गई तो रज से हमको ज़्यादा समस्या है, आपसे समस्या नहीं है, आपको मैं अपने ही झोली में उठा के ले लेता हूँ। भगवान को कैसे प्रेम से उठा के नाव में बिठाता है, क्या सौभाग्य इस केवट का है, उन चरणों को धोए हैं जिन चरणों को धो के गंगा धरती पे आई है, वो चरण साक्षात धोने का सौभाग्य आज केवट को मिला है। केवट ने दूसरा पार जब किया तो पैसा तो था नहीं, वनवास जा रहे थे राम जी, राजकुमार थे, राजपाट अपना कनक महल, राम जी इनको कनक महल सोने का महल केकई ने सीता के मुंह दुखानी में सीता जी को गिफ्ट में उपहार करके दिया था, उसमें जितनी सामग्री थी वो सब ब्राह्मणों में और प्रजा में बांट दी, राम जी अपने साथ कुछ नहीं रखा था। तो आज देने का जब समय आया तो सीता जी हाथ से अंगूठी निकाल रही थी, केवट कहता है मैं कुछ नहीं लाऊंगी, माता के हाथ की अंगूठी लेना ये मेरा धर्म नहीं है। फिर केवट एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि संसार में गंगा को तारने का पार करने की सेवा मैंने की है, आपका और मेरा एक ही धंधा है भगवान, और हम केवटों का एक न्याय है, एक नियम है, हम अपने साथी का एक जैसे कारोबार करने वाले दूसरे केवट से आने जाने का उतरा ही नहीं लेते, पैसा नहीं लेते हैं। तो आश्चर्य से लक्ष्मण जी देखने लगे कि कौन सी आप, हम कौन से केवट हैं और ये कौन सा केवट है, हमारा धंधा एक जैसा कैसे है। केवट जी मुस्कुराते हुए कहते हैं हम तो आपको गंगा पार करते हैं और आप भवसागर पार करते हैं, हमने आपको गंगा पार करा दी, आप अब हमारे को भवसागर पार करा देना, हम दोनों का काम तो एक ही है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है केवट ने कि मैंने आपको गंगा पार कराई है और आप हमको भवसागर पार करा देना। सो बात कर रहे थे कि भगवान के चरणों की, और केवट ने कुछ नहीं लिया, वो तो भगवान की सेवा करना चाहता था, भगवान का परम भागवत था,
जो भी है, यहाँ अहल्या का उद्धार हुआ, उस वक्त गौतम ऋषि प्रकट हुए, आश्रम फिर बस गया और गौतम ऋषि ने श्री रामचंद्र विश्वामित्र का बड़ा स्वागत किया, रामचंद्र को बड़े प्रेम से उनका पूजन किया और भगवान श्री रामचंद्र ने गौतम ऋषि का सेवा लेकर उनको प्रणाम करके और यहाँ से ये आगे बढ़े हैं और जनकपुर में जैसे पहुँचे हैं महाराज जनक की ओर से उनका स्वागत हुआ है और फिर एक बहुत सुंदर बगीचे में ये महाराज लोगों के रहने का व्यवस्था की है विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के संग में और ऋषि मंडली के साथ आज जनकपुर में रह रहे हैं और आज जनकपुर में एक बगीचे में रह रहे हैं। और यहाँ वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं है, तुलसीदास ने कुछ माधुर्य का रस भरने के लिए सीता जी के फूल चुनने के लिए बगीचे में आना और रामचंद्र और सीता का एक दूसरे को देखना और राम जी कहते हैं हम रघुवंशी कभी भी किसी नारी को आंख उठा के देखते नहीं हैं, आज अगर हमारा इनसे आंख मिली है तो निश्चित विधाता का कोई इसमें निर्णय होगा, वरना ऐसे हमारी आंख तो ऊपर उठ के किसी को चरणों से ऊपर देखते भी नहीं है। जो भी हो, महाराज जनक ने दूसरे दिन सुबह स्वागत करके अपनी सभा में ऋषि मंडली को बुलाया है। महाराज जनक के सभा में सब लोग बैठे हैं। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ये कथा है कि यहाँ कोई स्वयंवर नहीं हो रहा था, वो पहले हो चुका था, कोई राजा धनुष को उठा नहीं पाया था और सब वापस चले गए थे। अब जब विश्वामित्र जी आए तो महाराज जनक ने कहा ऋषि कुमार आपके संग आपके शिष्य मंडली आई है, सबका आपका स्वागत है, लेकिन ये दो बालक जो हैं ये कौन है, ये तो ऋषि कुमार नहीं लग रहे हैं, इनके भुज दंड के ऊपर धनुष की प्रत्यंचा के निशान पड़े हैं और ये वीर बलिष्ठ क्षत्रिय दिख रहे हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराकर कहते हैं राजन ये महाराज अयोध्या नरेश दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण है, मैं महाराज से मेरे यज्ञ के रक्षा के लिए सिद्ध आश्रम में इनको मांग के लाया था, इन्होंने बड़े पराक्रम से भयंकर राक्षसनी तारका का उद्धार किया और सुमाहु को मार के मारीच को सौयोजन दूर समुद्र में फेंक दिया, हमारे यज्ञ को सफल किया है, हमने इनको आपके यहाँ जो धनुष है उसको देखने के लिए प्रेरणा दी और ये प्रसन्नचित होकर उन धनुष का दर्शन करने के लिए आए हैं। महाराज ने कहा आपका स्वागत है राजकुमारों और मेरे धनुष के बारे में सुन लो, ये जो धनुष मेरे पास है हमारे पूर्वज महाराज देवव्रत को भगवान शंकर जी के द्वारा मिला था। एक बार नारद और इंद्र के बीच में मजाक में ये विचार हो गया, हंसते हंसते हास्य में ये विचार आ गया। नारद जी कहते हैं हमारे भगवान नारायण विष्णु गुरुदेव वो तो सर्वसृष्टि के पालक है, और इंद्र जी कहते हैं नहीं भोलेनाथ महादेव हम सबसे महान हैं, देवताओं में महान है, हमेशा सबका परोपकार करते हैं। तो भगवान की लीला थी, बोला ठीक है दोनों के बीच में एक युद्ध का आयोजन करके देखते हैं। तो युद्ध के लिए तो दोनों को जाके प्रार्थना की, वो हंसने लगे कि हम आपस में, शंकर जी कहते हैं मैं तो सदा राम जी का ध्यान करता है, वो हमारे आराध्य देव हैं, हम उनसे कैसे युद्ध करेंगे। बोला नहीं हमने ये बात कह दी है आपको करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने दो ही एक जैसे धनुष एक समय में बनाए, क्योंकि भगवान विष्णु का अपना धनुष है उसका नाम है सारंग, वो तो विशेष धनुष है, कहा कि शंकर और शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक, शंकर जी को कहते हैं पिनाक हस्तम और भगवान नारायण को कहते हैं सारंग पाणी और राम जी को भी सारंग पाणी कहते हैं कि उनके हाथ भी धनुष है। तो कहा कि ये धनुष तो नहीं, जो आपका विशेष धनुष है वो नहीं, दोनों के लिए एक जैसे धनुष बनाए गए जाएंगे। विश्वामित्र ने दोनों के लिए और विश्वकर्मा ने दोनों के लिए धनुष बनाए और दोनों ने प्रेम से थोड़ी देर के लिए विहार किया और फिर विष्णु भगवान का विजय हुआ। तो शंकर जी ने अपना धनुष देवव्रत महाराज को दे दिया और महाराज देवव्रत के उस कुल में आगे चल के महाराज जनक कहते हैं हमारे यहाँ ये शंकर जी का महान धनुष पूजन्य है और भगवान विष्णु का धनुष वहाँ से आगे चलता हुआ परशुराम जी के पास आ गया,
जो आगे चल के परशुराम जी उस धनुष को उठा कर लाएंगे और राम जी को प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए कहेंगे। तो ये दो धनुषों की कथा है। अब जनक महाराज कहते हैं ये धनुष बहुत दिव्य धनुष है, शंकर जी ने इसको स्पर्श किया है और हमारे कुल में ये पूजित है, ये एक बहुत बड़ी पेटी में रखा हुआ है जिसके नीचे पहिए हैं और बहुत सारे सेवक इसको धक्का देकर लाते हैं। एक दिन की बात है, हमारी ये हमारी पुत्री योनि से पैदा नहीं हुई है, निःशुल्का है, ये शुल्क कोई नहीं है, हमारे वीर्य से और रज से पैदा नहीं हुई है। हमारे यज्ञ के धरती को शोधन करते हुए हल की फाल से निकली है, इसका नाम सीता है और ये बालकी हमने केवल पाली है लेकिन इसका माता तो इसकी धरती माता है, ये तो स्वयं प्रकट देवी है। जैसे राम जी का प्रकट्य भी यज्ञ से प्रकट हुए उस खीर से हुआ है जिसमें भगवान विष्णु ने प्रवेश किया था और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ऐसे ये भगवती सीता किशोरी ये साक्षात लक्ष्मी का स्रोत अंतरंग भगवान की शक्ति भी पृथ्वी से प्रकट हुई है इस लीला में। और जनक जी कहते हैं एक दिन की बात है, मुझे घर में बताया गया कि इस भारी धनुष को सीता ने ऊपर एक हाथ से उठाया और उसके नीचे से सफाई करने लगी। हमको आश्चर्य लगा कि 500 सेवक इसको धक्का देके पेटी को नहीं चला सकते हैं, ये दिव्य बालिका ने इस धनुष को कैसे उठा लिया, आश्चर्य है। तब मैंने ये निश्चय करके वचन कर लिया था, प्रण कर लिया था कि इस लड़की के लिए योग्य पुरुष वही है जो इस धनुष को ऊपर उठा के प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा थी। मैंने पूरे भारतवर्ष के राजाओं को इस धनुष को उठाने के लिए निमंत्रण दिया, सब आए, इसको कोई उठा नहीं सका, प्रतिज्ञा चढ़ा तो दूर की बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज बहुत अच्छा है, आप इस धनुष को जरा लाके इन बालकों को दिखाइए तो सही। महाराज जनक के आदेश के ऊपर धनुष जो बहुत सुंदर सजी हुई हीरे जड़त पेटी में रखा हुआ था, नीचे पहिए थे, बहुत से सेवक उसको धकेलते हुए लाए और जब वो बीच में लाके खड़ा किया गया पेटी को, पेटी का ढक्कन खोल दिया। अब विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने उठ के अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करके धनुष के पास जाके खड़े हो गए, धनुष को देखने लगे और फिर गुरुदेव की ओर देखकर कहा क्या मैं इसको उठा सकता हूँ। गुरुदेव ने महाराज जनक की ओर देखा, महाराज जनक ने कहा निश्चित रूप से आप उठाइए राजकुमार। ने उस धनुष को ऐसे उठाया सरलता से, आसानी से, जैसे हाथी का छोटा बच्चा किसी गन्ने को उठा ले, और जब उठाया उसको तो सब आश्चर्यचकित हो गए। इस धनुष को बड़े बड़े सूरवीर महावीर भारत के कितने बड़े राजा महाराजा राजकुमार आए थे, कोई हिला तक नहीं पाया, सब मिलकर भी तो हिला नहीं सके थे और इसने ये खेल खेल में उठा लिया। फिर राम जी ने कहा क्या मैं इसके ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा के देख लूँ। अब तो सबने हाँ कर दी, राम जी ने रस्सी को खींचा ऊपर से, इसलिए कभी कभी कहते हैं धनुष होता है मोटा, बांस का बना है या विशेष किसी धातु का बना है जिसके अंदर लचक होती है, और डोरी तो होती है बहुत पतली, डोरी को खींचते हैं तो धनुष क्यों टूटता है, डोरी को टूटना चाहिए ना, डोरी पतली है डोरी क्यों नहीं टूटती, धनुष क्यों टूटता, धनुष क्यों टूट गया, डोरी नहीं टूटी, प्रतिज्ञा चढ़ाया तो डोरी टूटना, धनुष टूटा। बड़े भाव से भक्त कहते हैं डोरी भगवान के निकट आती है और धनुष ऐसे खींचने से भगवान से दूर जाता है, जो चीज़ भगवान से दूर जाती है वो टूट जाती है, जो चीज़ भगवान के निकट आ जाती है उसकी रक्षा हो जाती है। ये कबीर जी एक बार अपने भक्तों के संग जा रहे थे किसी घर के अंदर से, सुबह आटा पीसने का चक्की चलाने का आवाज़ आ रहा था, तो भक्तों के संग में कबीर जी रोने लगे, तो सबने पूछा क्यों आप महात्मा रो रहे हो, चलती चक्की को देखकर पड़ा कबीरा रोए, कबीर जी रोने लगे, संत रोने लगे, बोलो महाराज जी आटा पीस रही है घर में, आटा पीसेगी घर में ताज़ा,
वो कोल्ड प्रेस आटा है, ये तो चल चक्की आस्ते चलती है, अपने बच्चों को भगवान को भोग लगा के भोजन करेगी। बोला इस बात के ऊपर रोता नहीं हूँ, फिर क्या रोना किस बात का है। बोला दो बाटन के बीच में साबत रहा न कोई, एक चक्की का ऊपर का नीचे पत्थर और नीचे का पत्थर, दोनों पत्थरों के बीच में कोई दाना साबत नहीं रहा, अरे सारे दाने पिस के खत्म हो गए। तो किसी ने कहा महाराज हे महात्मा, ये चक्की पीसने के लिए है तो दाने खत्म होते हैं, इसमें रोने की क्या बात है। बोला इस चक्की को नहीं देख रहा हूँ मैं दिन रात की चक्की को देख रहा हूँ, दिन रात के दो बातों के बीच में, दो पत्थरों के बीच में ये सारे संसार के जीव पिस के उसके अंदर सब समाप्त हो जा रहे हैं, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। दिन में फागा जोड़ी करते हैं और रात को भोग में फंसे रहते हैं, या तो इधर इधर अयाशी करते हैं, नहीं तो नींद में मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। ये लोग अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। संत की दृष्टि तो ऐसी है कि दिन रात की चक्की में सब लोग पिसते जा रहे हैं। उस वक्त कहते हैं लोही कबीर जी के घर से कहने लगी, कह लोही सुन कबीरा, किलत चीते कीली के चितला। कहती है कबीर रो मत, वो जो बीच में कीला है ना, जो बीच में एक लकड़ी का या लोहे का कीला होता है, उसके ऊपर वाला पत्थर घूमता है, उसके पास जाके देख लो। कह लोही सुन कबीरा, कीली के चितला, दो बातन के बीच साबत ही रह जा, दोनों पत्थरों के बीच में जिंदा रह जाएगा, कोई दाना नहीं कटता है। बोला वो दाना जो दो पत्थरों के बीच में आता है वो तो पिस जाता है, जो दाना सरक सरक के और लुढ़क लुढ़क के बीच वाले कीले के पास आ जाता है, उस दाने के ऊपर कोई ही पत्थर का घाव नहीं होता है, वो जीता जी बच जाता है। इसका अर्थ है दिन रात की चक्की में संसार पिसता जा रहा है, लेकिन जो एक भगवान के शरण में है, जो एक भगवान आश्रय लिया है, जिन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, वो निश्चित रूप से इस चक्की में पिसने वाला नहीं है, वो साबत ही भगवत धाम जाने वाला है। तो यहाँ कह रहे थे बात ये कहाँ से चक्की की आ गई थी, हाँ धनुष नहीं डोरी नहीं टूटती है, प्रत्यंजा नहीं टूटती है, धनुष क्यों टूटता है, क्योंकि धनुष भगवान से दूर जाता है, डोरी भगवान के निकट आती है, जो भगवान के निकट वो बचेगा, भगवान से दूर जाएगा वो तो टूटेगा ही। और अब धनुष धड़ाक से टूटा दो टुकड़ों में। अब कभी जनकपुर जाएंगे तो एक वहाँ जनकपुर से बहुत दूर एक स्थान है, उसको धनुष कोटी कहते हैं, धनुष वहाँ आधा धनुष का टुकड़ा पत्थर के अंदर अभी भी है, वो दर्शन करने के लोग जाते हैं, और एक सरोवर है उसके अंदर बाकी धनुष का टुकड़ा गिर पड़ा था, ऐसे कहते हैं। और इतना उसका शब्द हुआ, घोष हुआ, इतना शोर हुआ, उतना आवाज़ हुआ धनुष के टूटने का आवाज़ इतना हुआ, सब लोग सवाय महाराज जनक के, विश्वामित्र के, लक्ष्मण के, सब लोग मूर्छित ही हो गए प्रायः, इतना बड़ा उसकी ध्वनि हुई। ये ध्वनि तो महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम ने सुनी, ये तो देवलोक में ध्वनि को सुनाई दिया। अब महाराज जनक का हृदय प्रफुल्लित हो गया कि आज मेरा वचन सत्य हो गया, आज मेरी पुत्री के लिए मैं सोच रहा था कोई वर नहीं मिलेगा, ये मेरा दुख समाप्त हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अपने पुत्रों को कहा कि कुमारी सीता को लाइए, और आज रामचंद्र ने उसका वर्ण कर लिया है, इसको वर माला पहनानी चाहिए। लेकिन उस समय विश्वामित्र जी से पूछा कि आप बताइए गुरुदेव क्या करना चाहिए। बोला निश्चित रूप से आपका संकल्प है तो राम जी और सीता का मंगल विवाह होना ही चाहिए, लेकिन मर्यादा ये कहती है। और राम जी ने कहा कि ये काम हम अपने आप नहीं करते, हमारे बड़े गुरुदेव और पिता माता, ये उनकी आज्ञा से होगा। तब विश्वामित्र जी के प्रेरणा से महाराज दशरथ ने एक दूत भेजा, महाराज जनक ने एक दूत भेजा दशरथ जी को ये शुभ समाचार देने के लिए। दूत बहुत तीव्र गति से महाराज दशरथ की अयोध्या नगरी में आया है, जनकपुर से अयोध्या की दूरी काफ़ी होनी चाहिए, कहाँ अयोध्या से जनकपुर नहीं तो भी 700-800 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए।
और वहाँ महाराज दशरथ को ये शुभ समाचार दिया कि ऋषि विश्वामित्र के साथ आपके पुत्र राम और लक्ष्मण जनकपुर में पधारे थे और वहाँ भारी भगवान शंकर के धनुष के ऊपर प्रत्यंजय चढ़ाकर राम जी ने सीता का वरण कर लिया है और महाराज जनक ने आपको बधाई और बारात लेकर राम जी के विवाह के लिए आने को निमंत्रण भेजा है। महाराज दशरथ बड़ा आनंद में प्रफुल्लित हो गए। अपने गले में जो नौलखा हार था वो उतार के उस संदेश लाने वाले को उपहार के रूप में दिया। उसने बड़े आदर के साथ उस सम्मान के साथ उसको लिया, सर को लगाया और दोनों हाथ जोड़ के महाराज के चरणों में जाके कहने लगा, महाराज हमारे राज की कुमारी आपके घर में अब पुत्रवधू होकर आएगी, बहू होकर आएगी और हम अपनी बेटी को देते हैं, बेटी से कुछ लेते नहीं हैं, इसलिए मर्यादा में आपने उपहार दिया, मैंने सर पे लगा के स्वीकार किया, लेकिन कन्या हमारी राजकुमारी यहाँ आएगी तो यहाँ तो हम अपने आप को अपने प्राणों का हमारा सर्वस्व यहाँ उपहार दे देते हैं, हम यहाँ से कन्या के घर से कुछ पानी भी पीते नहीं हैं, लेना तो दूर की बात है, ये बहुत बड़ी प्राचीन भारत की संस्कृति की मर्यादाएँ हैं। और महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को कहा और वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न होकर कहा कि बारात की तैयारी की जाए। उस समय ऐसे लगता है कि स्त्रियों को बारात में साथ नहीं जाया करती थी, इस पूरे प्रसंग में पढ़ने से शास्त्र से ये दिख रहा है कि वशिष्ठ जी और दूसरे गुरुजनों को साथ लेकर और महाराज दशरथ दोनों बेटों को साथ लिया, भरत और शत्रुघ्न को, और मंत्रिमंडल को साथ लिया है और ये बारात अब रवानी हुई है जनकपुर के लिए। तो रास्ते में लोग कह रहे हैं बारात जा रही है, लेकिन इसमें जो दूल्हा राजा है वो कहाँ है? अब दूल्हा राजा तो यहाँ है नहीं, दूल्हा राजा तो पहले ही ससुराल में राम जी पहुँच गए। तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो सब लोग जब ये प्रश्न पूछने लगे तो वशिष्ठ जी से कहते हैं दशरथ जी कि देखिए तो सब लोग पूछ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है, जिनका विवाह होना है, राजकुमार कहाँ है? तो वशिष्ठ जी मुस्कुरा के कहते हैं राम और भरत में देखने में कोई अंतर नहीं है। ये हास्य भाव से कहते हैं कि भरत जी को ऊपर बिठा दो दूल्हा बनाकर, तो कोई पूछेगा नहीं कि बारात जा रही है। दशरथ जी कहते हैं यहाँ तो दूल्हा बना के भरत को चले हैं और उधर विवाह होगा राम जी का, तो भरत जी को बाद में गिलानी होगी कि दूल्हा बना के मुझको ले गए और शादी किसी और की हो गई, बड़े भाई की, तो ये तो बड़ी हंसी हो जाएगी। महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी कहते हैं अगर हमारे मुख से वचन निकला है कि इसको दूल्हा बना के चलना है तो इसको भी दूल्हा बना के ही आएंगे, इसको बिठा दीजिए। अब ये बारात जब पहुंची है तो इस बारात को स्वागत करने के लिए अपने राज से बाहर अपने गुरुवरों के साथ महाराज जनक ने आके इनका जानिवास किया है। पहले उनको मिले हैं आपस में, भाई आपस में परिचय हुआ है, इनको बहुत अच्छे स्थान के ऊपर बिठाया गया और उसके बाद दोनों अपने कुलों का परिचय देने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे इक्ष्वाकु वंश में महाराज रघु के कुल में ये बहुत बड़े प्राचीन इक्ष्वाकु की राजधानी, जिसके लिए भगवद्गीता में लिखा हुआ है कि भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सूर्य देव को दिया था, विवस्वान सूर्य देव ने अपने पुत्र विवस्वत मनु को दिया और विवस्वत मनु का पुत्र एक दस में से इक्ष्वाकु है और ये इक्ष्वाकु महाराज के पास दिव्य ज्ञान भगवद्गीता का आया और इक्ष्वाकु महाराज ने इस मानव समाज में अयोध्या निर्माण किया और उस अयोध्या नगरी के आज राजा महाराज दशरथ अज के पुत्र हैं और ये रामचंद्र उनके बड़े पुत्र हैं। अब जनक जी कहते हैं हम अपने कुल का परिचय स्वयं देते हैं। महाराज निमि के कुल में हैं। महाराज निमि एक बहुत बड़े प्रतापी सूर्य वंश में राजा हुए हैं, जिस महाराज निमि के यज्ञ के अंदर नव योगेंद्र ऋषभ देव के पुत्र दिव्य उपदेश भागवत धर्म का देते हैं। कथा आती है कि निमि महाराज को यज्ञ कराना था, वशिष्ठ जी को उस समय यज्ञ के लिए इंद्र ने बुला लिया। जब इंद्र ने यज्ञ के लिए बुला लिया तो महाराज निमि ने कहा यज्ञ करने का शुभ अवसर जाता है,
और कुछ पुरोहित ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ करा दिया कि पुण्य कार्य करने का संकल्प हो तो तत्काल करना चाहिए, उसमें देर करना उचित नहीं है। और यहाँ वशिष्ठ जी वापस आए और देखें कि यज्ञ पहले हो गया तो उनको क्रोध आ गया कि मैं पुरोहित आपका, आपने दूसरे पुरोहित को वर्ण करके यज्ञ क्यों करा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा आप हमारे गुरुदेव हैं तो देवलोक में लोक में इंद्र के यज्ञ के लिए देवताओं के यज्ञ के लिए क्यों गए। और वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए, तुमने आज्ञा की है। और निमि महाराज ने कहा आप भी हमको छोड़ के चले गए, आपका भी शरीर समाप्त हो गया और दोनों का शरीर समाप्त हो गया। वशिष्ठ जी फिर मटके में रखे हुए वरुण और मित्र के यहाँ से दोबारा प्रकट हुए, लेकिन निमि के शरीर को संभाल के रखा, उसका मंथन किया गया। उसका मंथन करने से निमि ने कहा मैं देह में रहना नहीं चाहता हूँ, तो निमि का पहला नाम हो गया विदेहराज। विदेहराज राजा जो देह में नहीं रहना चाहता है। और उनकी नगरी का नाम हो गया मिथिला, क्योंकि मिथल मंथन से वो प्रकट हुआ मिथिला। और क्योंकि वो प्रकट हुए इस मृतक शरीर से उनको वापस जीवित किया गया तो उसका नाम हो गया जनक। तो ये पहला जनक, पहला विदेहराज महाराज निमि है जिन्होंने मिथिला की राजधानी की स्थापना की। महाराज जनक कहते हैं इस परंपरा के कुल परंपरा में इसी निमि के वंश में आज 21वीं 22वीं पीढ़ी में मैं जनक के नाम से जाना चाहता हूँ। मेरा नाम तो क्षीर ध्वज है और मेरे को जनक और विदेहराज कहते हैं, इसके मेरे लिए मेरी पुत्री को विदेही कहते हैं, मैं जनक हूँ तो उसको जानकी कहते हैं। और ये दोनों कुलों का परिचय हो गया, दोनों कुलों में पूजा पाठ हो गया। और जब विवाह का समय आया उस वक्त विश्वामित्र जी उठ के कहने लगे जनक जी आपको एक और भी तो पुत्री है उर्मिला, राम जी के साथ लक्ष्मण आए हैं, आप उस पुत्री को लक्ष्मण को विवाह में दे दें। और आपका भाई क्षीर ध्वज जिसकी दो पुत्रियां हैं मांडवी और श्रुतकृति, इन दोनों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हो जाना चाहिए। महाराज जनक प्रसन्न होकर और दोनों भाई कहते हैं आज तो आपने हमारे कुल का उद्धार किया, निमि वंश और इक्ष्वाकु वंश के अंदर आज ये बहुत बड़ा सेतु का संबंध बनने जा रहा है। हमारी चार राजकुमारियों का आपने चार दशरथ राजकुमारों के साथ विवाह में मांग कर हमारा मान बढ़ा दिया है। और इसके बाद चार राजकुमारों का चार राजकुमारियों के साथ विधिवत विवाह हुआ। विवाह के बाद बड़ा सुनैना सीता की माता विवाह में बैठी है, ये मंडप में जाएंगे कभी भी जनकपुर में तो उसके अंदर जाके देखेंगे, एक तरफ राम जी बैठे हैं, राम जी के पास में दशरथ महाराज और वशिष्ठ जी बैठे हैं, और सीता के पास में जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना बैठी है। और ये यज्ञ मंडप बना हुआ है, उनका वहाँ विवाह हो रहा है। वो स्थल आज भी स्मृति के रूप में जनकपुर में बहुत सुंदर मंदिर है जहाँ रघुनाथ जी का वहाँ ये बना हुआ है। इसके बाद कुछ समय रहने के बाद महाराज दशरथ आज्ञा मांग रहे हैं कि अब हमको आप विदा कीजिए, हमें राज में जाना है। जनक महाराज कहते हैं आप पुत्रों के पिता हैं, आप स्वतंत्र हैं। दशरथ महाराज हाथ जोड़ के एक जो बात कह रहा है ये सामान्य समाज को समझनी चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं जनक जी आप पुत्रियों के पिता हैं, आप कन्या के पिता हैं, आपने कन्या दान किया है, आप देने वाले हैं, आपका हाथ ऊपर है, मैं पुत्र वाला लेने वाला हूँ, मेरा हाथ नीचे है, देने वाला महान होता है, आप जब आज्ञा देंगे तब हम जाएंगे, हम अपने मन से अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। ये बेटों के पिता ने, पुत्रों के पिता ने जो मर्यादा और निम्रता महाराज दशरथ ने स्थापित की है इसको समाज को समझना चाहिए। पुत्री के पिता का सम्मान करना चाहिए कि वो अब 20 साल 18 साल पुत्री को पाल के पोष के बड़ा करके और कन्यादान का उत्तम एक संकल्प करके विधि से बालकी को जो देता है उसका बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। और फिर जनक जी से विदाई के समय कैसे सीताराम जी को जनक और सुनैना ने विदा किया है
क्या मर्यादाएं सिखाई हैं माँ ने अपनी बेटी को, तो कैसे आज के बाद आपको अपने पति के घर में रहना है, और ये मर्यादाएं तो बहुत अद्भुत शिक्षाएं हैं, इनका वर्णन कभी समय होगा तो करेंगे। लेकिन अब ये बारात जब वापस वहाँ से निकली है, विश्वामित्र जी भी साथ चले हैं, वशिष्ठ जी भी साथ चले हैं, रास्ते में कुछ अपशकुन होने लगे, तो दशरथ महाराज पूछते हैं, महाराज कुछ अपशकुन हो रहे हैं? बोला कुछ संकट निश्चित रूप से आने वाला है, लेकिन लगता है कि टल जाएगा। इतनी देर में आंधी तूफान की तरह जटाएं बंधी हुई, हाथ में परसा लिया हुआ, धनुष बाण लिया हुआ परशुराम जी आके खड़े हो गए और आते ही कहा कि किसने धनुष को तोड़ा है, मेरे सामने उसको लाके खड़ा करो। महाराज दशरथ हाथ जोड़ के कहते हैं, दया करो महाराज, ये परशुराम जी प्रणाम करता हूँ मैं, अयोध्या नरेश दशरथ आपको हमारे बालकों को, हट जाओ आप बीच में मत बोलो, धनुष किसने तोड़ा है वो मुझसे बात करें। महाराज दशरथ तो अचेत जैसे हो गए, राम जी आगे बढ़ के हाथ जोड़ के कहते हैं, आप विश्वामित्र हमारे गुरु के बंधु हो, कल आपको बताया था विश्वामित्र और परशुराम, गाधी का पुत्र विश्वामित्र है और गाधी की बेटी का पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि का पुत्र परशुराम, ये ऋषि ऋचक के पुत्र हैं, तो ये आपस में भाई हैं। और कहा कि आप गुरुदेव के संबंधी हैं, आप ब्राह्मण देवता हैं, हमारे पूजने हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ये धनुष इस दास से टूटा है, आप आज्ञा कीजिए। बोला आप क्षत्रियों को हमारे आराध्य शंकर जी के धनुष को तोड़ने का साहस कैसे हुआ? ये दूसरा धनुष मेरे हाथ में है, ये विष्णु का, इसके ऊपर मृत्युंजय चढ़ा के दिखाओ, अगर तुम चढ़ा सकते हो तो मैं मान सकता हूँ कि तुमने उसको तोड़ा है। राम जी ने कहा, क्षत्रियो हम क्षत्रिय हैं, आप महाराज ललकार रहे हैं, आप धनुष दीजिए। धनुष को लेके राम जी ने प्रत्यंजय चढ़ाई और बाण को जब चढ़ाया, परशुराम आश्चर्यचकित हो गया, राम जी की ओर देख रहा था और देखने में उनके ध्यान से देखा, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है, वासुदेव है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैं पहचान गया आपको। लेकिन राम जी कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, हमारे गुरुदेव के संबंधी हैं, भाई हैं। अब राम का बाण एक बार धनुष के ऊपर चढ़ गया है तो ये अपना निशाने से वापस तो लौटेगा नहीं, मेरे पास दो ही अब विकल्प है, या तो आपके चरणों को आपकी गति को रोक दूं, नहीं तो आपने तप करके जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनको विनाश कर दूं। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने पूरी पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी है, मैं रात को महेंद्र पर्वत जाऊंगा, मेरी गति को नहीं रोकिए और मेरे तप के लोकों का भले नाश कर दीजिए। राम जी का बाण वहाँ चला, परशुराम जी यहाँ से वापस चले गए, बारात अयोध्या में वापस पहुँचती है, बड़ी स्वागत होता है, अयोध्या को सजाई जाती है। अब सीता के मुंह दुखाने में कौशल्या आगे बढ़ के आई और सीता का मुंह देखने के समय कहती है, जो मेरे आंखों का तारा, हृदय का प्यारा मेरा राम जी है, जो आज तक मैंने प्रेम से पाला था, आज सीता मुंह दिखाने में मैंने अपना बेटा आपको दे दिया। केकई आई है, कहती है, मैं सोच रही थी कि हमारे पुत्र इतने सुंदर हैं, इनका विवाह कैसे होगा, कब होगा, और आज ये चारों को इतनी महान सुंदर राजकुमारियाँ हमारे घर में पुत्र वधू के रूप में आई हैं। सीता आपके मुख दिखाने में ये कनक भवन सोने का महल, जो आज भी कनक भवन के नाम से अयोध्या में विराजमान है, ये कनक भवन में आप और राम को सुखपूर्वक रहने के लिए दे रही हूँ। सुमित्रा जी ने कहा, सीता बेटी आपको मुंह दिखाने के लिए, देखने के लिए मैं क्या दूँ, आज तक मैं दो बेटों की माता मानी जाती थी, एक लक्ष्मण मेरा बेटा और एक मेरा शत्रुघ्न बेटा, आज आपको मुंह दिखाने में मैं मेरा बेटा लक्ष्मण देती हूँ, उसके ऊपर से मैं माता होने का अधिकार उठाती हूँ, आज से वो आपका पुत्र है, मैंने आपको दे दिया। अब ये चारों राजकुमार बहुत आनंद से अयोध्या में विवाह के आए हैं, रह रहे हैं, और उस वक्त केकई देश से आया हुआ भरत का मामा युधाजित कहता है कि भरत को मैं अपने साथ ननिहाल ले जाना चाहता हूँ। भरत और शत्रुघ्न यहाँ से ननिहाल के लिए रवाना होते हैं और यहाँ बाल कांड पूरा होता है, सीताराम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का मंगल ये
विवाह का संकल्प पूरा होता है, इसके बाद अयोध्या कांड शुरू होगा। वो जब भगवान ने मौका दिया, जब ऐसा अवसर बना, तो आगे कथा करेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। सीताराम।